अभी तक की जो योजना है वो ये है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। हमको इसको यहाँ लाना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये बच्चे सब हमारे समाज से आते हैं, हमारे परिवारों से आते हैं। आपकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके इनको इस योग्य बनाया है कि ये अपना करियर और देश की ज़रूरतों को, देश के विकास में योगदान दे सकें और अपने करियर को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। इस शानदार एजुकेशन के लिए पूरी IGTWT की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी देश के सोशल चेंज के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आप दुनिया के इतिहास को यूनिवर्सिटीज़ की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया के विकसित देशों में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत भूमिका निभाई है। और मैं उसको उलट भी कह सकता हूँ कि दुनिया के विकसित देश वही हो पाए हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बखूबी इस्तेमाल किया है विकास के रास्ते में, सोशल चेंज के रास्ते में। IGTWT पिछले 5-6 साल से दिल्ली के सोशल चेंज में और दिल्ली के विकास में बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। इसकी एक झलक हमें मैडम वाइस चांसलर की रिपोर्ट में भी सुनने को मिली कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में ना सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट्स, टैलेंटेड यूथ देके, बल्कि गवर्नमेंट के साथ और सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए एक पार्टनर की तरह से काम करते हुए पिछले 5-6 साल में IGTWT ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। बतौर शिक्षा मंत्री मेरी दो अपेक्षाएं हैं, एक यह है कि आप अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाते चले जाइए और दूसरी यह है कि क्वांटिटी को भी आगे बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि क्वांटिटी की भी जरूरत है। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी सूचना यह है कि जो मैंने कहा क्वांटिटी में सरकार आपको बहुत मदद कर सकती है, क्वालिटी में यूनिवर्सिटी को अपने दम पे खड़ा होना होता है। एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट होने के नाते 6 साल पहले जब सरकार में आए तो लगातार पिछले 6-7 साल से दिल्ली का एजुकेशन का बजट 25% रखा हुआ है, हमने मेंटेन किया हुआ है। इसी से पता चलता है कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को लेकर सीरियस हैं और देश में शायद दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह है जहां एजुकेशन पर कोई सरकार अपने बजट का 25% एजुकेशन पर खर्च कर रही है। क्वांटिटी और फैसिलिटी के संदर्भ में ही एक और अच्छी सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर, वो यह है कि दिल्ली सरकार DDA से आपकी यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ ज़मीन खरीद रही है नरेला में, और IGTWT का 50 एकड़ में कैंपस बनाया जाएगा जहां हम और वाइस चांसलर मैडम दोनों मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और यहां आपके आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स, आपके सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और सभी फैकल्टीज़ को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप भी पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और क्वांटिटी और क्वालिटी में, ख़ासतौर से क्वांटिटी और क्वालिटी फैसिलिटीज़ के चैलेंज को कि किस तरह से 50 एकड़ में हम कम से कम 25,000 स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन दे सकें, उस चैलेंज को हमें मीट करना है। आज इस कन्वोकेशन डे पर मैं ये अपने एक डिमांड कह लीजिए, आप अपनी इच्छा कह लीजिए, एक सपना कह लीजिए, आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। और ख़ास तौर से एक ऐसे अवसर पर जब देश की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में बैठी हैं, क्योंकि हमें केवल और केवल इस बात से खुश नहीं होना है कि हमारे कितने बच्चे कितने करोड़ के पैकेज में और कितने लाख के पैकेज में कहाँ कहाँ नौकरी पर जा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट वी हैव और बहुत देश के साथ हम बहुत बहुत गर्व के साथ आज हम कहते हैं कि हमारी एजुकेशन, हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़कियाँ कहाँ कहाँ किस किस कंपनी को हेड कर रही हैं या किस किस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं और कितना शानदार पैकेज ले रही हैं। इस हम सब के लिए गर्व की बात है, लेकिन थोड़ा सा एक चिंतन की भी बात है कि जब पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बनते हैं तो सोशल मीडिया पर उन तमाम लोगों की लिस्ट चलती है कि कैसे हमारे देश के, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के होनहार बच्चों ने, होनहार लड़के लड़कियों ने जाके दुनिया की सबसे टॉप कंपनियों को हेड किया हुआ है। लेकिन उसमें साथ साथ एक मजाक में ही सही लेकिन एक सवाल भी उठाया जाता है कि अभी तक की जो योजना है वो ये है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। हमको इसको यहाँ लाना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर पढ़ेगा इंडिया, इंडिया के हमारे बेस्ट ब्रेन्स केवल और केवल अमेरिका और यूरोप की कंपनियों में जाते रहे तो हमें वापस स्लोगन को एक्चुअली वो ऑफिशियल बनाना पड़ेगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका और यूरोप। हमें वो भी सहयोग देना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये भी करना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। उसका मतलब है दो चीज़ें, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप कि हमारे यहाँ से
और मैं बार बार कन्वोकेशन के अवसर पर सभी वाइस चांसलर्स को ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि जितनी खुशी और जितने गर्व के साथ हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे कितने लड़के कितने लड़कियों ने कितने कितने लाख करोड़ का पैकेज लिया, उतने ही गर्व के साथ हम ये भी सेलिब्रेट करें कि हमारे कितने लड़के और लड़कियों ने ग्रेजुएशन या डिग्री करते ही कौन सी ऐसी कंपनी बनाई जिसकी वजह से इकोनॉमी में इतना योगदान हो रहा है और साथ साथ जॉब मार्केट में इतने का योगदान हो रहा है, वो भी हमको इस मौके पर सेलिब्रेट करने लायक अभी काम उस दिशा में काम शुरू हुआ है लेकिन होना अभी बाकी है। हैप्पीनेस करिकुलम, देश के मेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम को सक्सेसफुली लॉन्च करने में आपकी यूनिवर्सिटी ने एक पार्टनर की भूमिका दिल्ली सरकार के साथ निभाई है, पर बात दिल्ली सरकार की नहीं है, बात दिल्ली और देश की है। तो उसमें यूनिवर्सिटी की और इस भूमिका को मैं, ये कहते ना दिल मांगे मोर, आप कुछ नहीं करोगे मेरी अपेक्षाएं कम होती चली जाएंगी, आप कुछ अच्छा करोगे मेरी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, दिल्ली और देश की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। आप अच्छा कर रहे हैं आपसे अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटी आगे बढ़े और उसमें रिसर्च कर क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, क्वांटिटी पे तो हम और आप मिलकर काम कर लेंगे लेकिन क्वालिटी में सिर्फ आइडियाज दे सकता हूँ, अपेक्षा रख सकता हूँ, क्वालिटी का पैरामीटर यहीं से तय होगा। मेरा एक गाइडेंस उसमें है कि अपने यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च का एक कोई फील्ड तय कर लें। दिल्ली सरकार ने रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए सीड मनी देने का, सपोर्ट मनी देने का पहले से ऐलान कर रखा है, 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि हम साल बजट में रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक रिसर्च का फील्ड तय कीजिए और उस रिसर्च में बहुत सारे बच्चे आगे रिसर्च करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके रिसर्च करें और उसमें बहुत आगे हो सकता है। आज माइंडसेट की बात हो रही है, एजुकेशन की आपने कई जगह बात की, पार्टनरशिप की, आज माइंडसेट की बहुत बात हो रही है लेकिन माइंडसेट को जब तक हम असेसमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक हम माइंडसेट की पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाएंगे। बड़ा चैलेंज है एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मैं अपने आप में फेस कर रहा हूँ। मुझे हम सब बात करते हैं कि सिर्फ रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लाइफ की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन लाइफ स्किल्स को असेस करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। आज मैं कम से कम अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से, इंजीनियरिंग फैकल्टी से अपेक्षा रख रहा हूँ कि आप हमें वो टूल बना के दीजिए कि 12वीं क्लास के बच्चे को जब हम उसे ये कहें कि 12वीं में इसने इंग्लिश में इतने बढ़िया नंबर लेके आई है, फिजिक्स में इतने बढ़िया नंबर लेके आई है, केमिस्ट्री में इतने अच्छे नंबर लेके आई है, तो भले ही किसी गेम के जरिए, भले ही किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेस्ट के जरिए हम उसके मार्क्स में लिख सकें कि ये लड़की या ये लड़का, इसके अंदर से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए हैं, इसके अंदर धर्म और जाति के झगड़े, जेंडर बायसेस नहीं बचे हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर ह्यूमन अब्यूजेस में गिनी जाती हैं वो अब नहीं बची हुई हैं, लेकिन वो असेस कैसे करोगे? CBSE और DBSE या हमारे बोर्ड्स के पास में वो टूल्स नहीं है, वो टूल्स आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल के देने पड़ेंगे। देश को आज ज़रूरत है, समाज को आज ज़रूरत है। मैं अपेक्षा रखूँगा कि जब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे सभी फैकल्टीज मिलकर इस दिशा में काम करेंगे और उसको भी चैलेंज करके, उसको सॉल्व करके आगे देंगे। एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आज के ग्रेजुएशन डे के अवसर पर, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और सभी पूरा फुल हाउस इतनी बड़ी संख्या में बहुत कम उपलब्ध होता है, इसलिए मैं डिमांड साइड से भी आता हूँ और सप्लाई साइड से भी आता हूँ। डिमांड साइड में मैं सरकार में हूँ, सप्लाई साइड में मैं कह सकता हूँ कि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो जनता की क्या ज़रूरत है, देश की क्या ज़रूरत है, मैं आपके सामने वो भी रखूँगा और सप्लाई साइड से सरकार के रूप में कितना बजट हम आपको एलोकेट कर सकते हैं, कैसे आपको ज़मीन उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी भी मैं बात रखूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए और आपके भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच।